टीवी न्यूज। मंगलवार को मेरठ में वन विभाग ने एक घंटे में 30 किस्मों के 360 पौधे कर नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि ये रिकॉर्ड प्रदेश सरकार के निर्देश पर सूबे के 8 जिलों ने मिलकर बनाया है। प्रदेश के 8 जिलों में विशेष मुहिम के तहत कुल 240 किस्मों के पौधे रोप कर विश्व रिकॉर्ड बना। एक घंटे के भीतर गड्ढे खोद कर रोपे गए सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच इस कार्य को पूरा किया। इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई। DFO अदिति शर्मा अभियान के लिए 15 टीमों का गठन किया था। प्रत्येक टीम में दो दो सदस्य शामिल थे। हस्तिनापुर में इसके लिए आधा हेक्टेयर चिन्हित जमीन पर 30 किस्मों को एक ही स्थान पर पौधे रोपे। पौधारोपण अभियान की अनकट वीडियोग्राफी कराई गई। मेरठ में 30 प्रजातियों के 360 पौधे रोपे गए। अभियान के दौरान DFO अदिति शर्मा के साथ वृक्षारोपण कार्य की पुष्टि के लिए विशेषज्ञ फिटनेस प्रोफेसर रूप नारायण हेड CCSU प्रोफेसर डॉक्टर सुनील मलिक सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय तथा CCSU के प्रोफेसर डॉक्टर विजय मलिक मौजूद रहे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को प्रदेश के 8 जिलों में हुआ कार्यक्रम। पीसी मेरठ से बीरपाल सुरानिया की एक खास रिपोर्ट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक प्रयास किया गया है जो कि हमारे वन विभाग पर्यावरण एवं क्लाइमेट चेंज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ये प्रयास किया गया है। इसमें हम एक ऑफिशियल अटेम्प्ट कर रहे हैं गिनीज का, जिसमें कि मैक्सिमम स्पीशीज ऑन मल्टीपल लोकेशंस, मतलब अधिक से अधिक प्रजातियां 8 लोकेशंस पर लगाने का प्रयास किया है। इसमें टोटल 240 प्रजातियों का रोपण आज किया है 8 स्थानों पर। ये हस्तिनापुर में जो आज राजकीय कृषि डेयरी फार्म पर हमने एक प्रयास किया है, इसमें 30 प्रजातियों के प्रति प्रजाति 12 पौधों का रोपण हमने किया है और टोटल 360 पौधों का रोपण हुआ है। इन 360 पौधों की हर पौधे की इवेंट का मतलब गड्ढा खोदने से पहले, गड्ढा खोदते समय, पौधा लगाते समय और पौधा लगने के उपरांत 4-4 फोटो हर पौधे की गई हैं। उससे पूर्व जितने पौधे हमारे पास जितनी प्रजातियों के थे उनके 7 फोटो खींची गई हैं। पौधा लगने के बाद इरिगेट करते हुए, सिंचाई करते हुए पौधे की फोटो खींची गई है, ताकि हर एक इवेंट को जिस प्रकार से पौधे का रोपण होता है उस प्रोसेस को कवर किया गया है, जो कि एक एविडेंस के रूप में आएगा। चारों कोनों पर 4 वीडियोग्राफर्स लगाए गए थे ताकि वो वीडियोग्राफर्स इस इवेंट को कवर करें। इस इवेंट को कवर करने के लिए आपने जो चारों वीडियोग्राफर्स लगाए उसका 1 घंटा 10 मिनट का निर्बाध अनकट अनएडिटेड वीडियो हम गिनीज को उपलब्ध कराएंगे, ताकि गिनीज चेक कर सके कि जो उनके प्रोटोकॉल सेट किए गए थे 1 घंटा 10 मिनट के, कि अंदर कोई नहीं आएगा 1 घंटा 10 मिनट तक, इवेंट सिर्फ पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेंट तक के द्वारा ही किया जाएगा, वो समस्त प्रोटोकॉल्स को हमने पूरा किया है और इसका मीडिया भी आज यहाँ पर साक्षी बना है। हमारे साथ आपके साक्षी होने के साथ साथ 3 महत्वपूर्ण साक्षी उपलब्ध थे, डॉक्टर रूप नारायण, डॉक्टर DK मलिक और डॉक्टर SK मलिक, जो तीनों बॉटनिस्ट हैं। उन्होंने सभी प्रजातियों के नामों का, उनकी गुणवत्ताओं का उनका परीक्षण किया और उसके बाद ही हमें अलाउ किया कि हम उन पौधों का रोपण कर सकें। उनके विटनेस के होते हुए हमने इन पौधों का रोपण किया है, जो कि अगेन इस ऑफिशियल अटेम्प्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस था। तो बाकी तो समस्त आप सब लोगों ने पूरे इवेंट को 10 से 11 बजे तक देखा ही है और आशा करते हैं कि हमने सभी काम अच्छे से किए होंगे और इस ऑफिशियल अटेम्प्ट में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में हस्तिनापुर का स्टाफ और मेरठ की पूरी टीम, हमारे टीम लीडर श्री NK जानू जो कि यहाँ के चीफ कंजर्वेटर साहब हैं, हमारे टीम लीडर थे, उनकी अध्यक्षता में हमने इस इवेंट को संपूर्ण रूप से कवर किया होगा और इसको पूरा करने में हम सक्षम रहे होंगे। थैंक यू।